रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा से 4 बार विधायक और उमा भारती के कार्यकाल में रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के पुत्र कौशलेश तिवारी तिवारी लाल के समर्थकों ने तिवारी लाल को त्योंथर विधानसभा से चुनाव लड़ाने की मांग की। समर्थकों की मांग पर चुनाव मैदान पर उतर सकते हैं तिवारी लाल। भाजपा 2018 में विंध्य के रीवा जिले में 8 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया था। वहीं इस बार टिकट वितरण पर जमकर नाराजगी देखी जा रही है। वहीं अगर बात त्योंथर विधानसभा में हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री श्रीनिवास तिवारी के नाती सुपौत्र सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थामा और पार्टी ने भरोसा जताते हुए त्योंथर विधानसभा से सिद्धार्थ तिवारी का टिकट घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का अधिकार है, जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं उन्हें त्योंथर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, जो दरी बिछाने से लेके और वो किए। हमारे पास बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आते हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग कांग्रेस की भाजपा को स्वीकार नहीं करेंगे। और ये लोग जो तांडव 2003 के पहले किए थे वही तांडव त्योंथर पर मंडरा रहा है, इसलिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता त्रिदेव ये सारे लोग आते हैं। मैं अपने पिताजी के आदर्शों पर उनके पदचिन्हों पर चलते हुए मैं कोई भी निर्णय जनता के, चूंकि जनता जनादेश देती है इसलिए जनादेश के लिए जनता चाहिए, जो आके 26 तारीख को सब लोग कहेंगे वो मैं करूंगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।